वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्ट्रान कैप्सूल्स के बारे में और इसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होता है। तो पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊँगा, इसका कॉम्पोजिशन कैसे हीलिंग में मदद करता है और शरीर में कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका आपने कैसे यूज़ करना है और इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन इट। गाइज, आप देख रहे हैं निफ्ट्रान 100 mg के कैप्सूल जिसका यूज़ UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है। बात करें इसके प्राइस रेट की तो 247 इसका प्राइस रेट है। आगे बात करें इसकी कंपनी की तो सन फार्मा कंपनी से बनाती है और गाइस सन फार्मा काफ़ी नामी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है इंडिया में। वहीं इसके कंटेंट की बात करें कॉम्पोजिशन की तो इसके अंदर नाइट्रोफिनोटॉइन नाम का कॉम्पोजिशन मिलता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है गाइस ये। आगे सब्स्टिट्यूट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं काफ़ी सारे ब्रांड के नाम से, लेकिन गाइस जो इसका सबसे सस्ता सब्स्टिट्यूट है वो है यूरीफास्ट 100 mg के कैप्सूल, सिप्ला कंपनी से बनाती है और 211 रुपये के आपको 30 कैप्सूल मिल जाते हैं। और गाइस सेम काम करता है और सेम कॉम्पोजिशन है और गाइस इसका सॉलिड रिजल्ट आता है। आगे बात करें इसकी वर्किंग की तो गाइस जो निफ्ट्रान 100 mg के कैप्सूल हैं ये बैक्टीरियल सेलुलर एंटीबायोटिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोली और स्टेफाइलोकोकस नाम के ऑर्गेनाइज्म से होती है। गाइस UTI होता क्या, एक्चुअल जब हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं तब यूरिन में पस का आना या अल्ट्रासाउंड कराने पर सिस्टाइटिस आना UTI को दर्शाता है। आपका डॉक्टर बोल देगा कि आपको UTI हुआ है। और इसके सिम्टम्स हैं जैसे पेशाब करते टाइम जलन होना या पेशाब करते टाइम दर्द होना इसके सिम्टम हैं। ये काम कैसे करती है, जब आप इसको लेते हैं तब ये ब्लड से फिल्टर हो जाता है किडनी के द्वारा और ये तब बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंच जाता है और उसके जेनेटिक मटेरियल जो कि DNA होता है उसको डैमेज कर देता है। इस प्रकार जो बैक्टीरिया होता है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है ई कोली जैसा बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो बैक्टीरिया मर जाता है। तो गाइस इस प्रकार आपको हीलिंग में मदद करता है ये कैप्सूल। ओके गाइस, तो आगे बात करते हैं कि आपने इस कैप्सूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे लेना है। तो गाइस इस कैप्सूल को आप पानी के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आगे बात करें इसकी डोजेस की तो अगर आपको ज़्यादा UTI की दिक्कत है तो गाइस इस कैप्सूल को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, ये एडल्ट डोज है। और UTI की बीमारी ठीक होने पर आप इस कैप्सूल को दिन में 1 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद पानी के साथ। और अगर आप गाइस इस कैप्सूल को रात के टाइम लेते हैं, मतलब अगर आपने दिन में 1 बार लेना है तो आप इसे रात के टाइम लें, जिसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है पेशेंटों के अंदर। ओके गाइस, तो ये थी इसकी डोसेस की बात। आगे बात करते हैं इस कैप्सूल को यूज़ करने पर आपको किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस इस कैप्सूल को यूज़ करने पर आपको नोज़िया मतलब जी मिचलाना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगना, स्टमक पेन पेट में दर्द होना, डायरिया मतलब दस्त लगना, नंबरेंस इन योर हैंड एंड फीट मतलब कि सुइयों जैसा सुन्नापन हाथ और पैरों में होना, पेन इन योर हैंड एंड फीट पैरों और हाथों में दर्द होना, वीकनेस मतलब कमजोरी, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हेडेक सिर में दर्द होना और ड्राउजीनेस मतलब नींद का आना जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये अपने आप दूर हो जाते हैं। और अगर आपको फिर भी ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप इस कैप्सूल को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है। तो गाइस अगर आप लीवर के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं तब आप इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और अगर आपकी एज 1 साल से कम है, मतलब अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप 1 साल से कम के बच्चों को ना दें, क्योंकि उन्हें हेमोलाइटिक नाम की
बीमारी हो सकती है जिसमें RBC जो रेड ब्लड सेल हैं वो टूट जाते हैं। तो गाइज़ ये कुछ प्रकार की कंडीशन थी, इस कंडीशन में आपको निफ्ट्रान को यूज़ नहीं करना। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब भी आप निफ्ट्रान 100 mg के कैप्सूल को यूज़ ना करें बिल्कुल भी। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इस डब्बी को खोलेंगे तो आपको कैप्सूल किस प्रकार देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ ये कैप्सूल आपको खोलने पर देखिए कुछ इस प्रकार के मिलते हैं। देखिए इनका जो कलर है ये येलो कलर के कैप्सूल आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए गाइज़। ओके गाइज़, तो ये कैप्सूल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी बात को लेकर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके सवालों का आंसर देके। साथ ही अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर या किसी बात को लेकर सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस कैप्सूल को किस बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम लगा इसका रिज़ल्ट आने में, ताकि हमारे जो पासी चैम के अदर मेंबर हैं उनको भी आपके कमेंट्स को पढ़ के इन्फॉर्मेशन का पता लगे इस कैप्सूल को लेकर। ओके गाइज, तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो थी ये थी निफ्ट्रान के ऊपर। पूरी तरह से मैंने टॉपिक को कवर अप किया था और आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक था ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो गाइज़ ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।